Hello friends, welcome to my review of Speedster NV Charger जिसका मॉडल नंबर है ECR 11। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी अच्छा मॉडल है। इसका प्राइस लगभग 500 टू 600 है। कभी ऑफर में आता है तो आपको 500 के करीब मिल जाएगा, नहीं तो 600 में आपको ये अमेज़ॉन या कोई भी वेबसाइट पे या मार्केट में भी यही प्राइस में आपको मिल जाना चाहिए। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके साथ में आता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, साथ में केबल आता है, चार्जिंग केबल, मॉडल नंबर ECR 11, NV कंपनी का प्रोडक्ट है जिससे आप AA और AAA बैटरीज चार्ज कर सकते हैं। आमतौर पे AA बैटरीज आपके कैमरा के फ्लैशेस या घड़ी के सेल, इस तरह के इक्विपमेंट या कुछ टॉयज़ में यूज़ होते हैं। AAA बैटरीज आपके रिमोट में जो यूज़ होते हैं, उस तरह के बैटरीज AAA बैटरीज होते हैं। तो इसका केसिंग कवर है। ये है एक्चुअल चार्जर। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड लगता है, प्लास्टिक काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले भी आता है, ऐसा टफ बिल्ड मालूम होता है। क्वालिटी का कोई इशू नहीं है, आपको ये प्राइस रेंज में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं AA बैटरीज और AAA बैटरीज स्लॉट्स है। ये इसके साथ में केबल आता है, केबल साधारण सा है, ना एकदम लो क्वालिटी का है ना एकदम हाई क्वालिटी का है, एक मॉडरेट क्वालिटी का केबल आता है। पिन पावर केबल आता है, सो इससे फ़ायदा होता है कि आपका चार्जर जब हीटअप होता है तो आपके सॉकेट पे इसका असर नहीं होगा। डिस्टेंस अच्छा है, आप अपना पावर सॉकेट और चार्जर थोड़ा दूर रख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। चलिए हम देखते हैं इसको AA बैटरी से चार्ज करके। मैंने यहाँ पे ली है 4 AA बैटरीज जो कि सोनी एनलूप बैटरीज है, जो 2100 मिली एम्पियर है। ये टोटली डिस्चार्ज्ड बैटरीज है, सो हम इसको चार्ज करके देखेंगे और चेक करेंगे कि ये कितना टाइम लगता है इसको चार्जिंग होने में। चलिए इसे ऑन करते हैं। इसको ऑन करते ही आप देखेंगे कि डिस्प्ले आपको दिखाता है कि बैटरीज है नहीं है, है तो कितना परसेंट चार्ज है। चलिए वन बाय वन हम इसमें AA बैटरीज प्लेस करते हैं। जैसे मैंने एक बैटरी प्लेस की, ये दिखा रहा है कि उसके अंदर चार्जिंग शुरू हो गया है, वैसे ही हम बाकी के और 3 बैटरीज भी इसके अंदर प्लेस करेंगे। जैसे हम बैटरी प्लेस कर रहे हैं वहाँ पे इंडिकेटर दिखा रहा है कि बैटरी प्लेस हो रही है। अब चारों बैटरी लग गई है, आप देखिए कि वो चार्जिंग इंडिकेटर दिखा रहा है। हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगता है, एक्चुअल टाइमिंग कितना लगना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्जिंग अभी स्टार्ट हुआ है, तो इस तरह का इंडिकेटर आता है। देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला बैटरी है जो हमने लास्ट में लगाया था, वो बैटरी फुल्ली चार्ज हो गया है, उसका इंडिकेटर चेंज हो गया है और हम देख सकते हैं वो फुल्ली चार्ज डिस्प्ले कर रहा है। हम वेट करेंगे कि ये सारे इंडिकेटर फुल्ली चार्ज हो जाए, इसके बाद मैं आपको समय बता पाऊँगा कि कितना समय लगा है इस बैटरी को चार्ज करने में। अब आप देख सकते हैं कि चारों बैटरी फुल्ली चार्ज हो गई है।
हम इसके हीटअप के लिए चेक करेंगे। मामूली सा हीटअप लगता है बट इतना कोई मेजर इश्यू नहीं है, इतना हीट स्वाभाविक है, इतना हीट होता ही है। इससे आप सॉकेट और चार्जर को थोड़ा दूर प्लेस कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरीज हमने निकाल के बैटरीज भी चेक की है कि उतना हीटअप कितना हुआ है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये नॉर्मल हीटअप है, इतना हीटअप तो होना चाहिए। आप बैटरी इस्तेमाल करने से पहले इसको थोड़ी देर रख दीजिए और उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिए। हमारे टेस्टिंग के अनुसार हमने ये देखा है कि 2100 मिली एम्पेयर की 4 बैटरीज को चार्ज करने के लिए ये चार्जर करीब 3 आवर्स 25 मिनट्स लेता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका बैटरी कितने टाइम में चार्ज होगा। ये फास्ट चार्जर है बट इतना भी फास्ट नहीं है, आपको इसको 2-3 घंटे या 3-4 घंटे का समय देना पड़ेगा जिससे आपकी बैटरी चार्ज हो सकती है। आपके कोई सवाल और कमेंट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगर किसी और सब्जेक्ट पे आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।